लोकसभा में आज बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा शराब की बोतल का एक डिब्बा लेकर के पहुंचे हैं कुछ इस तरीके से, और संसद भवन के अंदर ही इसको दिखाया भी है, लोकसभा के अंदर इसको दिखाया है। प्रवेश वर्मा से बात करते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर इन्होंने ये डिब्बा संसद भवन में दिखाया है, लोकसभा में दिखाया है। प्रवेश जी, शराब की बोतल का डिब्बा आप लेकर के पहुंचे हैं और लोकसभा में आपने इसको दिखाया भी है। देखिए, मैंने ये इसलिए दिखाया, आज मुझे शून्यकाल में ये उठाने का मौका मिला और दिल्ली की जनता, मैंने एक तरफ में एक पानी का गिलास दिखाया कि दिल्ली की जनता को विधानसभा चुनाव में वायदा किया था कि हम आपको स्वच्छ पानी देंगे, मुफ्त पानी देंगे, मगर आज दिल्ली की जनता को होम डिलीवरी के माध्यम से शराब दी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कब करते हैं, जब दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, दिल्ली के लोग मर रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी दिल्ली सरकार, उस समय शराब दे रही थी, शराब की पॉलिसी बन रही थी। जो नया टेंडर फ्लोट हुआ वो जून के महीने में फ्लोट होता है, जब हमारा जो सेकंड वेव है वो जुलाई तक रहा, उस टेंडर में 300 करोड़ रुपए में 32 प्लेयर जो देश के बड़े बड़े वो आते हैं, वो टेंडर लेते हैं। अभी उन्होंने 300 करोड़ के टेंडर लिए हैं, तो सोचिए कितना मार्केटिंग में पैसा खर्च करेंगे। अभी घरों के बाहर में दुकान खुल रही है, मंदिर गुरुद्वारे के बाहर दुकान खुल रही है, तो इससे हमारे युवाओं के ऊपर में, युवाओं की उम्र, पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी है, ठेके रात की उनकी समय सीमा बढ़ा दी है, रात के 3 बजे तक ठेके खुल सकते हैं, रात को महिलाएं पियेंगी 3 बजे तक तो उनको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, पिंक बार खोले जाएंगे महिलाओं के लिए। तो ये ऐसी पॉलिसी दिल्ली का मुख्यमंत्री लेके आ रहा है, और जाकर अपना पंजाब में कहते हैं मैं नशाबंदी करूंगा और दिल्ली में इसको बढ़ा रहा है। तो आज वो सदन में भगवंत मान नहीं थे, उनके जो MP हैं वो तो बड़े खुश होंगे इस पॉलिसी से, क्योंकि वो तो पीकर आ जाते हैं, मगर दिल्ली की जनता आज इससे बिल्कुल बहुत ज्यादा त्रस्त है, रो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इसके ऊपर में कदम उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ये दिल्ली में विकास हुआ, अभी हाल ही में जो है आप कई जो है हजारों की संख्या में नए CCTV लगाने की बात कही है। देखिए, दिल्ली में विकास क्या हो रहा है कि जो एक्साइज का रेवेन्यू था वो पहले 3000 करोड़ था, केजरीवाल के आने के बाद में वो 5000 हुआ, 6000 हुआ, और अभी वो सोचते हैं ये पॉलिसी आने के बाद में 10000 करोड़ हो जाएगा। तो 10000 करोड़ के आने से वो हर कंपनी से रिश्वत ले रहे 50-50 करोड़ की, ताकि उनको पंजाब में उत्तरांचल में चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो कोई विकास नहीं हो रहा। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद ने शराब की बोतल का एक डिब्बा संसद भवन में दिखाया और मांग की कि दिल्ली सरकार की जो एक्साइज नीति है वो सही नहीं है, उसी पर सवाल उठाए। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।